ये हंसी की परंपरा है, हंसने की परंपरा है। आइए एक कवि को इसलिए नहीं बुला रहा, आप अपने फोन पे देख लीजिए, नेताजी लपेटे। आज तक देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां दमदार बनारसी का बोलबाला नहीं है। मैं दमदार भाई को इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि वो एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व है, आधे आधे घंटा 45 मिनट जब आपको हंसाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कवि सम्मेलन इसीलिए हुआ था। आइए एक बार हंसने की कला सीखिए, मुस्कुराहट सीखिए, जरा जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कीजिए। श्री दमदार बनारसी, देखिए हम, मैं काशी में रहता हूँ, हमारा सब कुछ अगर जमानत जब्त हो जाएगा तो कोई बचाएगा नहीं, आधार कार्ड इन्हीं का लगेगा, इसलिए आप जरा जोरदार तालियां बजाइए, पूरा मुखर होकर आदरणीय श्री दमदार बनारसी। फिर भूल गए, हाँ वो टूट जाता है कविता की बात करी। देखिए हम मिथिला के लोग हैं और मिथिला के लोग, मेरा नाम विजेंद्र मिश्र है, मेरा भी ताल्लुक मिथिलांचल से रहा है, काशी में हम कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, ये अलग बात है, इसलिए पैदाइशी बनारसी हूँ, बनारसी होने पर गर्व भी करता हूँ, लेकिन मिथिलांचल की माटी को कैसे कोई बिसार सकता है, ये हमारे लिए पूजनीय है। और मैं जब आ रहा था तो मैंने मिथिला पे एक छंद लिखने का प्रयास किया, मैं चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँचे, एक प्रणाम निवेदित किया है मैंने, सुन लीजिए, मुझे अचानक याद आ गया। स्वागत भैया। कि जनक दुलारी यही प्रकट हुई थी, इस माटी को नमन यह पवित्र यह ग्राम है, जनक दुलारी यही प्रकट हुई थी, इस माटी को नमन है पवित्र यह ग्राम है, शिव धनु तोड़ वीरता दिखाए राम, तब वरे गए सीय से यही ये सुख धाम है। ऐसे नहीं, शिव धनु तोड़ वीरता दिखाए राम, तब वरे गए सीय से यही ये सुख धाम है, मीठी मधुबान खान माछो मखान, मीठी मधुबान खान माछो मखान, करूं कहां ले बखान यह शोभा अभिराम है, यही हुए शिव भक्त विद्यापति महाकवि, मिथिला की पुण्य भूमि को मेरा प्रणाम है, मिथिला की पुण्य भूमि को मेरा प्रणाम है, मैं प्रणाम करता हूं। और मिथिला के लोग जो भी काम करते हैं शिद्दत से करते हैं, मिथिला के लोग अगर प्रेम भी करते हैं तो उसमें स्वार्थ का जरा सा भी अंश नहीं होता। मैं मिथिला वासियों के लिए चार मिसरे पढ़ता हूँ, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, सुनना भाई, खता सरगोशियां, मिथिला के लोग जब मोहब्बत करते हैं तो कैसी मोहब्बत होती है, खता सरगोशियां, आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहें खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ, जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं, क्या बात है, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण। मैं एक कविता अपने मन की सुनाना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। आप यहाँ पर जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपको देख के मुझे अपनी एक छोटी सी कविता याद आ गई, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ और मैंने माँ पे दो चार मुक्तक लिखे हैं, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए हंसना हंसाना तो ये अलग की बात है और हम उसी लिए बुलाए जाते हैं साहब, लेकिन बहुत कम ऐसे मंच होते हैं जहां अपने दिल की बात रखने का मौका मिलता है। भीड़ के कार्यक्रम होते हैं, वहां हंसी मजाक ठिठोली चुटकुलेबाजी और इससे काम निकालता जाता है आदमी, उसी के लिए बुलाते हैं लोग, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं लेकिन गंभीर बात कोई नहीं सुनता। लेकिन यहां पर आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने मुझे मौका मिला है तो मैं चाहता हूं अपने मन की एक कविता आपको सुनाऊं, बस वो रखता हूं। जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ, ये हमारे घरों की परंपरा है, हम कहीं जाते हैं तो माँ के पांव छू कर जाते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि आप माँ के पांव छुएं और माँ आपको आशीर्वाद स्वरूप दो चार रुपये आपके हाथ में न रख दे। हाँ, माँ आशीर्वाद तो देती है, दो चार रुपये भी रख देती है। ये कितनी हमारे घरों की परंपरा है साहब, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने चार पंक्तियाँ लिखी कि उसे मैं खुश नजर आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुदबुद्ध
भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी। आप जितने भाई बैठे हुए हैं पीछे, आप लोगों की वजह से मेरा हौसला बढ़ रहा है, इसलिए मैं वो कविताएं सुनाता हूँ। सुनिएगा, क्या है माँ क्या है भाई, स्त्रियों से पुरुषों की तुलना हो ही नहीं सकती। स्त्री के पास वो ताकत है जो पुरुषों तक को जन्म देती है। तो ऐसे ही जननी है, जो माता है उससे कोई तुलना अपनी कैसे कर सकता है। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। माँ 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। आप अपनी माँ का चेहरा अपने आंखों के सामने रखिएगा। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा। शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा। जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। सबसे पहले माँ कहा। दोस्तों मैंने एक 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 गजल लिखी, 2-3 शेर उसके सुनाता हूँ कि ढले दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। जानते हैं आपके पिता ने आपसे कितनी मोहब्बत की है, ये आपको तब पता चलता है जब खुद बाप बनते हैं। गलत तो नहीं कह रहा। मेरे 2 बच्चे हैं, शब्द और अर्थ। मुझे जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता ने मुझसे कितनी मोहब्बत की होगी। तब मैंने ये शेर कहने की कोशिश की और हिम्मत की कि दिल कहाँ काबू में रहता है जवां होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बेटों के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। दोस्तों उसी तरह से आपकी हमारी माँ ने हमको कितना स्नेह दिया है, ये हम तब तक नहीं जानते हैं जब तक अपने बच्चों की परवरिश करती हुई अपनी पत्नी को ना देख लें। इसलिए मैं बताता हूँ, शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा। जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। आप बुजुर्ग हैं, आप उस पीढ़ी के हैं जब हागिज प्रचलन में नहीं था। इसलिए मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। मैं इन पंक्तियों पे विशेष प्यार चाहता हूँ आपका। अब तक जिन लोगों के हाथ न खुले हों उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। माँ ही जीवन का प्रथम पाठशाला है। थाम कर उंगली हमें चलना ही सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बंद आंखों से भी हमको
बस नजर आती है माँ, बस डाकों से भी हमको बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए एक सवाल करने जा रहा हूँ, जो बड़े शहरों में, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक, बड़े शहरों में ऐसा होता है कि वो नहीं कि किसी किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि जब हम बच्चे थे तो आपस में झगड़ा करते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होते ही झगड़ा करने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये बड़े शहरों की रवायत है, और आज भी ऐसी माताएं पड़ी हुई हैं इस देश में जिनको रहने का ठिकाना तक नहीं है इस घर में। एक घर में सोचिए एक माँ चार बच्चों को पाल सकती है, लेकिन चार बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। मैं कहता हूँ उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। सुनिएगा कि एक सवाल करता हूँ कि माँ ने हमको दी ये दुनिया, और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। एक बहुत बड़ा जंग करने जा रहा हूं, और मुझे विश्वास है इन पंक्तियों को आप थाम लेंगे, बस हाथ खोल के बैठिए। ये पूरे मुक्तक की श्रृंखला में ये सबसे करीब मेरे दिल का है। लोग मदर्स डे मनाते हैं, अरे बेवकूफों, मदर्स डे पश्चिम की सभ्यता है जहां शादियां महीने भर या हफ्ते भर चलती हैं। अब कोई लड़का अपनी माँ के साथ एक दिन बिता सके, ओरिजिनल माँ के साथ एक दिन बिता सके, इसलिए मदर्स डे मनाते हैं वो। हमारे यहाँ हर दिन माँ का दिन होता है, हमारे यहाँ हर दिन मदर्स डे होता है। और तब आपसे तालियों की मांग करता हूँ, आशीर्वाद की तालियां मांगता हूँ। अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, आंसुओं से ओंख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। इसलिए मैं नई पीढ़ी से एक कामना करता हूँ, एक आह्वान करता हूँ, बस एक बात कहता हूँ कि है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ जिनका ये भरोसा है, कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना, कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। दोस्तों समय वाकई ज़्यादा हो गया है, मैंने बहुत समय ले लिया है, लेकिन प्रशांत ने कहा था टूट जाती है गज़ल सुनाए, दो मिनट की गज़ल है, बस दो तीन मिनट और आपके बीच हूँ। आपका पूरा आशीर्वाद लेकर बनारस तक जा रहा हूँ, सुनिएगा, मतले का शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके पास पहुँचाता हूँ कि क्या बात है, सुनिएगा, बस यही चाहिए मज़ा। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का, पकड़िएगा, अगर जरा सा भी आपने मिस कर दी बात पहुंचेगी नहीं, फिर मुझे अफसोस होगा कि मैंने ये गजल सुनाई ही क्यों। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। अजब ये हाल है यारो, प्रणाम करता हूँ, क्या
क्या बात है, आपने इस गजल की लाज रख ली और मुझे खुशी हुई कि आप तक बात पहुंच गई। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का मैं पसीने पसीने हो गया हूँ, फिर भी आपकी खिदमत में खड़ा हूँ। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। सुनिएगा, अच्छा शेर वो होता है जब उसकी अगली पंक्ति आपके मुंह से निकल जाए कि कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। कहाँ पे किसका दिल नाजुक यहाँ पे कौन जाने है, कहाँ पे किसका दिल नाजुक यहाँ पे कौन जाने है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कहाँ पे किसका दिल नाजुक, अरे आप क्या सुन रहे हैं यार, सलाम करता हूँ। कहाँ पे किसका दिल नाजुक यहाँ पे कौन जाने है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कभी शीशे से टकरा करके पत्थर टूट जाते हैं, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है। क्या बात है, कभी कभी शीशे से टकरा करके पत्थर टूट जाते हैं, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है। जितने विद्वान हैं उनके लिए ये शेर निकाल के आया हूँ, महाभारत से लेके अब तलक। बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ, नई बात नहीं है, कहने का ढंग अलग है। महाभारत से लेके अब तलक, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही। अरे मेरे कुनबे के बहुत अच्छे कवि हुए चकाचक बनारसी, उन्होंने लिखा कि ओकरी बातिन पर ध्यान दे देली, जान के हम तो जान दे देली, दीवार अब का उठाई अंगना में भाइयन के मकान दे देली। दीवार अब का उठाई तंगना में भाइयन के, तो मैंने एक शेर निकाला, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। कभी धागे के आगे कितने रस्से टूट जाते हैं, कभी रस्से के आगे सारा धागा टूट जाता है। क्या बात है जमदार भाई, दीवारा टूट जाता है, धागा टूट जाता है। सुनना दोस्तों नौजवानों, गजब है खेल किस्मत का, गजब है ये पंक्ति पकड़ना तो मजा आएगा। गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, गजब है खेल किस्मत का, हाथ खोलिए सर, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आँख खुलती है तो सपना टूट जाता है। गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आँख खुलती है तो सपना टूट जाता है। दीवाने से जुदा होकर दीवानी टूट जाती है, दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता है, दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता है। दोस्तों एक अलग सा शेर निकाला है, लोग कहते हैं ना तवायफों ने कितने घरौंदे तोड़ दिए, मैंने एक बात निकाल के लाने की कोशिश की है, सुनिएगा। हवस जब व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी आप सब पढ़ के आए हैं, हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, शराफत से भी होते होते सौदा टूट जाता है। हवस जब जब दखल देती, ये सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, शराफत से भी होते होते सौदा टूट जाता है। तवायफ के सबब कितने घरौंदे टूट जाते हैं, ये देखा है तवायफ का भी धंधा टूट जाता है। तवायफ के सबब कितने घरौंदे टूट जाते हैं, ये देखा है तवायफ का भी धंधा टूट जाता है, ये देखा है तवायफ। सुनिए एक शेर अलग से, है दरिया आँख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, है दरिया आँख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है।
हैदरिया आँख में और दिल के अंदर। ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। ये बस अंतिम में दो शेर और रह गए हैं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। हैदरिया आँख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है, कभी बंधे से टकरा करके लहरों में प्रणाम करता हूँ। एक शेर वतन के हवाले से, शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता है। दोस्तों, नौजवान दिलों के लिए ये पढ़ रहा हूँ कि नौजवानियों के दिल में क्या भावनाएं पलती हैं, सुनिएगा। क्या गुरु? हाँ भैया, नौजवानों के दिल में क्या भावनाएं पल रही है सुनिएगा। और मैं अपने देश के प्रति कि जब भी हो नामो निशान, खाके चमन के वास्ते हर कदम अपना बढ़े, प्यारे वतन के वास्ते और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते, सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में। तब ये शेर आपके आगे रखता हूँ। शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता है। बहन रोती है जब राखी का धागा टूट जाता है, किसी की चूड़िया दिल और जोड़ा टूट जाता है। और अंतिम में चलते चलते आखिरी शेर, मक्ते का शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैं अब तक के काव्य पाठ का सर्वश्रेष्ठ शेर अपने हिसाब से पढ़ने जा रहा हूं, और ये विश्वास के साथ पढ़ता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। बस आपका आशीर्वाद समेट कर मैं जाऊं, जहां तक जाऊं वहां तक मिथिला के लोगों की तालियां मेरे कानों में गूंजती रहें। बस इस विश्वास के साथ आप तक ये शेर साझा कर रहा हूँ कि शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता है। बहन रोती है जब राखी का धागा टूट जाता है, किसी की चूड़िया दिल और जोड़ा टूट जाता है। कि इबादत इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है यहां तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। इबादत मैं प्रणाम करता हूँ, अब तक जिनके हाथ नहीं खुले आखिरी मिसरे पर। इबादत हम जहाँ करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। कभी तो टूट जाता है यहाँ दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।